हेलो भाई पीछे जो आगे आगे नहीं बोलो जल्दी आगे मैं अत्री जी से निवेदन करूंगा दो मिनट के लिए माइक दूंगा अगर दो मिनट पे तो मेरे मन को वापस दे दिया तो मैं ऐसे ही करूंगा जीवन के जो बदलाव है वो पल पल में होते रहते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि एक राजा का बेटा जब वनवास को निकला और रास्ते में कितने लोगों के साथ कितने लोग राजा लोग मिलने वाले लेकिन वो उन्हें नहीं मिले वो उन लोगों को मिले जो लताड़े हुए लोग थे जो मंत्र के लताड़े हुए लोग थे उन्होंने सुग्रीव से मित्रता किया उन्होंने जाके शबरी को गले से लगाया और उन्होंने जाके निषाद राज से मित्रता की जो बदलाव था उस वक्त और लोगों को जगाकर उन्हें ये बताया कि आप में भी वो शक्ति है जिसे आप जगा सकते हो और हालातों के साथ लड़ सकते हो और ऐसा था वो किरदार जिसने जगह जगह जाकर जो कमजोर लोग थे उन्हें जगाया परिवर्तन का देखा आज एक बड़ा बदलाव हुआ था जो लंका में बैठा हुआ था जिसके घर में वाजू देव झाड़ू लगाता था अगर देव जिसके खाना बनाता था जिसने नव ग्रह को उल्टा लटका रखा था उसने जब चार अंक आ गए उसका जब किरदार उसके बाद भगवान राम ने बाकर बांधवों से पुनः बनवा दिया कमजोर लोगों को उठाकर वहां तक पहुंचाकर उस पर जीत बताई के लिए सभी को मुबारकबाद मैं जहाँ पे चेंजिंग पे जो चार लाइने हैं जो अपनी कही हुई है मैं जरूर कहूँगा कि कुछ भी जहाँ पे रुकता नहीं हर चीज बदलती रहती है कुछ भी जहाँ पर रुकता नहीं हर चीज बदलती रहती है साहिल पे खड़े हम रहते हैं और नदियाँ चलती रहती है इतनी भी अंधेरी रात रहे सुबह तो उजाले हो जाते हैं फिर फूल खिले जा मर जाए बगिया तो वहीं पर रहती है बहुत बहुत मुबारकबाद अभी भी एक बहुत बहुत मुबारकबाद जीवन के माइक दिया माइक तो अपनी जी को दो मिनट दे दो तब लेकिन हिम्मत थी मैंने माइक छीन लिया मेरी सभा के महासचिव सुरजीत सिंह जी ने निवेदन है अपनी पुत्र को आग लग जा रही है उसके बाद माता सीता का अग्नि परीक्षण सीन जिसको सोमराज जी ने बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है हमारे बीच हिमाचल से गुलेरिया जी भी पहुंचे हैं जो हमारी सभा में